जो वैकेंसीज निकल भी रही है बिहार सरकार की, उसमें जो लिखित परीक्षा है उसमें जो सवाल आते हैं वो चरमराए हुए होते हैं। अगर सवाल सही हुआ तो उसका जवाब जो होता है वो राम भरोसे होता है। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल का दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। युवाओं के लिए इनके पास कोई नीति रही नहीं है, ना इनकी कभी भी कोई मंशा थी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। आप 4 साल 5 साल में वैकेंसी नहीं निकाल रहे। अच्छा, बिहार पुलिस की भी वैकेंसी निकली थी, उसमें कोरोना काल की वजह से जो हमारे युवा वो परीक्षा नहीं ले पाए थे उनको कोई रियायत नहीं दी जा रही है। वो अतुल प्रसाद जी जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई है और बीपीएससी का परीक्षा पटरी पे आ रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब 4 साल में आपको 7,000-6,000 वैकेंसी एक बार में आ सकती है तो हर एक साल 800-900 वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती है, जो सुचारू ढंग से होनी चाहिए। अगर युवा सरकार की तरफ नौकरी सरकार के लिए नहीं देखेगा नौकरी देने की अपेक्षा से, तो किसके तरफ देखेगा। और आप इस तरीके का गंदा भद्दा मजाक करते हैं, कितने किसान के हमारे बेटे हैं बेटियां हैं। मुकेश जी लगता है चुप गए होंगे, वो 5 लाख कह रहे होंगे प्रवासी जो है ना जो गए हैं उनका वो आंकड़ा अकाउंट कर लिए होंगे। तो 5 लाख रोजगार कहाँ है भाई, बिहार में हम लोग भी रहते हैं, ऐसा क्या बदलाव आ गया है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं राजेश पुरी। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के नेता हैं राहुल सहाय जी, शिक्षक भी हैं, और हम चर्चा करेंगे बिहार में जो अभी शिक्षा विभाग पर ज्यादा जोर दिया गया है सरकार के ऊपर। आप देखें तो अप्रैल के बाद से ही और खासकर जून के बाद से ही बिहार का सारा फोकस जो है वो शिक्षा विभाग पे है। आनंद फानंद में परीक्षाएं ली जा रही है, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, और जो राजनीतिक व्यक्ति है उनका कहना है कि 2024 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रख के फरवरी में सारा कार्रवाई किया जा रहा है और इससे प्रभावित हो रहे हैं राज्य के लाखों छात्र। अब देखिए आप, एसटीईटी 2023 का परीक्षा आनंद फानंद में एकदम जल्दी में लिया गया, 1 महीने के अंदर में फॉर्म भरने से लेके परीक्षा करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। और हमने शेयर किया है कि आपने देखा होगा कि जो माध्यमिक विद्यालय में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 100 साइंस के क्वेश्चन में लगभग 33 जो है उसके गलत उत्तर दिए। सर से हम चर्चा करेंगे, सर क्या लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है, प्रश्न सही नहीं है, इतना हड़बड़ी में क्यों है सरकार और खासकर शिक्षा विभाग को लेकर। आदेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने निरंतर बिहार की चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर समझिए एक मुहिम छेड़ा है, उसके लिए आप निश्चित ही मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक बात है बिहार सरकार के इस बर्ताव का जो कारण है कि वो अब एक बार ही आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज निकाल रही है और आनंद फानंद में निकाल रही है। अब जो वैकेंसीज निकल भी रही है बिहार सरकार की, उसमें जो लिखित परीक्षा है उसमें जो सवाल आते हैं वो चरमराए हुए होते हैं। अगर सवाल सही हुआ तो उसका जवाब जो होता है वो राम भरोसे होता है। अभी जो आपने जिस परीक्षा का उल्लेख किया, एसटीईटी का जो परीक्षा हुआ है, अब इसमें जो आपको आंसर की या जवाब जो दिए हैं सरकारी मतलब सरकार के द्वारा बीएससीबी के द्वारा, वो कुछ नहीं बल्कि मतलब हास्यपूर्ण है और बेवकूफी से भरा हुआ है। जो सवाल मतलब कि आपको क्लास कक्षा 5 या 6 का विद्यार्थी बता सकता है, जैसे कि बॉम्बे हाई कहां पे है, किस चीज के लिए मतलब वो प्रसिद्ध है, ये सब लोग जानते हैं कि बॉम्बे हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए ऑफशोर जो है वो पेट्रोलियम रिजर्वायर है, और उसका आंसर जो है वो बीएससीबी ने दिया हुआ है कि स्टील। तो ऐसे कई बुनियादी प्रश्न हैं, तो ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़े लिखे वो भी जान सकते हैं कि दूषित वायु से क्या प्रभावित होगा, क्या प्रभावित होगा, फेफड़ा ये लिखे हुए हैं, मस्तिष्क। तो ये देखिए, इसमें अब 2-3 चीजें हैं, या तो बिहार सरकार के पास रिक्तियां नहीं है, इन्होंने सिर्फ परीक्षा ले लिया, और बिहार सरकार चाहती है कि हर एक परीक्षा की तरह इनका ये भी परीक्षा वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मसले में जाए, क्योंकि नियमित बिहार सरकार जो है वो मतलब वैकेंसी निकालती नहीं है। आप वैकेंसी निकालने की प्रणाली देख लीजिए कि 4 साल 5 साल में एक मतलब वैकेंसीज आ रही है, और एक बार में 3,000-4,000 वैकेंसीज। क्या ये वैकेंसीज निकालने की सुचारू प्रक्रिया है? आप साहब 900 ही निकालिए, लेकिन हर एक साल निकालिए। अब आप 3 साल 4 साल वैकेंसी नहीं निकालते हैं बिहार सरकार में, और तो वो 3-4 साल में जो युवा थे जिनकी अब उम्र जा चुकी है, क्या आप उनको रियायत देंगे ये परीक्षा लिखने के लिए? राहुल जी, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को
पटरी पर लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि 2020 में जिस तरह तेजस्वी यादव को युवाओं के मुद्दे पर ही एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था, क्या उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल का दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। युवाओं के लिए इनके पास कोई नीति रही नहीं है, ना इनकी कभी भी कोई मंशा थी। अब सरकार चला रहे हैं तो नियमित रूप से आप युवाओं का हित देखिए, आपको क्या लेना देना है तेजस्वी यादव जी से या चिराग पासवान जी से या किसी अन्य युवा नेता से? ये प्रतिस्पर्धा क्यों? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। आप 4 साल 5 साल में वैकेंसी नहीं निकाल रहे। अच्छा, बिहार पुलिस की भी वैकेंसी निकली थी, उसमें कोरोना काल की वजह से जो हमारे युवा वो परीक्षा नहीं ले पाए थे, उनको कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तो और कोई भी सरकार आप देखिए, कोई भी परीक्षा अगर आप देखिएगा बिहार सरकार का, कोई वाद विवाद से मुक्त है ही नहीं। एक बीपीएससी का अब जो स्तर है, वो अतुल प्रसाद जी जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई है और बीपीएससी का परीक्षा पटरी पे आ रही है। नहीं तो आप साहब बताइए, 2005 से आप ही के मंत्रालय के आप ही के पार्टी के सारे शिक्षा मंत्री रहे हैं। अगर आप शिक्षा मंत्री की सूची देखिएगा तो 2005 से अभी तक जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो जदयू कोटे से रहे हैं। उसके बाद आप इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का परीक्षा आप ले रहे हैं, किस तरीके का कमिटी आप बनाए हुए हैं आंसर की के लिए, या फिर जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है वो अपनी काम जिम्मेवारियों से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जब 4 साल में आपको 7,000-6,000 वैकेंसी एक बार में आ सकती है, तो हर एक साल 8,800-9,900 वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती है, जो सुचारू ढंग से होनी चाहिए? तो ये पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सिर्फ राजनीतिक अपना लाभ देखने के लिए कई युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार कर चुके हैं। कितने लोग होते हैं जो सालों साल कितनी चुनौतियां झेल के तैयारी करते हैं इस आस में कि भाई सरकारी कोई नौकरी निकलेगी। अगर युवा सरकार की तरफ नौकरी सरकार के लिए नहीं देखेगा नौकरी देने की अपेक्षा से, तो किसके तरफ देखेगा? और आप इस तरीके का गंदा भद्दा मजाक करते हैं, कितने किसान के हमारे बेटे हैं बेटियां हैं जिनके पास सिर्फ साल और 2 साल का विंडो रहता है तैयारी करने का। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो आर्थिक रूप से मतलब उतने मजबूत नहीं है कि 4 साल 5 साल आपके लिए तैयारी करते रहे, और वो क्या उनका सपना देखना क्या व्यर्थ है आपकी नाकामी की वजह से? राहुल जी, एक बात कहा जा रहा है कि के पाठक जो कार्रवाई कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, जो अभी फरमान आदेश आ रहे हैं, उसका यही कहा जा रहा है कि इसे पटरी पर लाने का प्रयास है। फिर से आपको बता दें कि अभी एक और मुद्दा है, शिक्षक बहाली चल रही है, उसमें बीएड वालों का आपने मुद्दा देखा होगा, बीएड वालों को वर्ग 1 से 5 के लिए अभी तक, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 11 सितंबर के बाद से, 11 अगस्त के बाद से, अभी तक शिक्षा विभाग ने यह डिक्लेयर नहीं किया है कि इनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इनका काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं कि सरकार आखिर इतना शिथिल क्यों पड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कितने लाख, 3,90,000 कैंडिडेट बीएड वाले हैं, वो अभी तक इंतजार में है कि औपचारिक कोई सूचना हमें मिले। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपने जैसे बात की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी हाल में हुआ था किस तरीके से हुआ था ना, वहां छात्र छात्राओं के लिए कोई अच्छी सुविधा दी गई थी, और हड़बड़ी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जहां तक बात आपके के पाठक जी के प्रश्न का है, तो ठीक है वो सुधार लाए, लेकिन सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वो अपने मापदंड को जनता के सामने पेश करे कि ये सुधार जो आप ला रहे हैं इसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं विगत मतलब आने वाले 2 या 3 सालों में। कोई आंकड़ा निकाल के बताए कि इतनी प्रतिशत जो है वो लोगों की मतलब की अटेंडेंस बढ़ेगी या इतने सारे रिक्तियां खत्म होंगे, तो कोई अभी आंकड़ा तो सरकार के द्वारा निकाला गया नहीं है। तो जब आंकड़े आपके पास है नहीं, तो आपका गोल तो सर जनता के सामने क्लियर है नहीं, तो आपका मूल्यांकन किस मापदंड से किया जाएगा? तो के पाठक जी निश्चित रूप से अगर सुधार ला रहे हैं तो और चीज कहा जा रहा है कि जितना सुधार है पाठक जी के रहते हुए ही है, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, क्या लगता है? अब देखिए, वही मैंने कहा ना कि के पाठक जी जो सुधार ला रहे हैं, इन्होंने खुद अपना जो गोल है वो पेश किया नहीं है। तो अब इसमें अब सर के पाठक जी है तभी सुधार लाया जा रहा है, उसके बाद नहीं लाया जाएगा, उसके पहले नहीं लाया गया, तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि क्या आपके पास योग्य अधिकारी नहीं है क्या? आप सिंपल सी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि 18 वर्षों में जब आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था खुद अपने पार्टी के मंत्रियों के रहते हुए नहीं कर पाए और 18 साल में नहीं कर पाए, अब कितना समय आपको चाहिए प्रभु? क्या मतलब 50-60 साल दिया जाए तब मुख्यमंत्री जी जो है वो मतलब धीरे धीरे स्पीड में आपका
उजागर मतलब कि कल्याण करेंगे, तो ऐसी रफ्तार की सरकार बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। ये चीज और है जो यहाँ के छात्र हमेशा मांग करते हैं, पारदर्शिता पूरी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गड़बड़ी होती है परीक्षा में, बहुत सारा जो है वो सॉल्वर गैंग एक्टिव है, सेटिंग करने वालों का गैंग एक्टिव है, पारदर्शिता की हमेशा मांग होती है। बीपीएससी को छोड़ दे तो किसी और पारदर्शिता नहीं है। आज ही देखते बीएससी जिसके द्वारा जो स्टिक 2023 हो रहा है उसमें 100 में 33 क्वेश्चन जो है वो गलत उसके आंसर दिया है। क्या लगता है इतना बड़ा बहाली हो रहा है, सरकार उसको पारदर्शी तरीके से कर देगी? आपको क्या लगता है सरकार की इतने कार्य प्रणाली को? देखिए, ये बहाली नहीं हो रहा है, ये भद्दा मजाक हो रहा है बिहार के युवाओं के साथ, और बिहार के युवाओं को ये समझना चाहिए। 33 प्रश्न आप गलत करवा दिए हैं, मतलब कि, और वो मामला जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट जब फैसला देगा तब तक जो युवा है उनकी उम्र तो मतलब घटेगी नहीं ना, वो तो और बढ़ते चल जाएगी। तो ये भद्दा मजाक हो रहा है। अभी तक कौन सा ऐसा परीक्षा है बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए जो हुआ है, जो वाद विवाद में नहीं था? कितनी कमिटियां बनी, उसका क्या रिजल्ट निकला, कभी भी कुछ भी पेश किया गया? तो दो चीजें हैं, या तो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार देने के पक्ष में ही नहीं है और ये सिर्फ खाना पूर्ति की तरह वैकेंसियां निकालती हैं और कोई भी परीक्षा को पारदर्शिता तरीके से ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाते। सरकार के नियत को आप कैसे देखते हैं? युवाओं को रोजगार देना है या लुभावना है, एक अपना एक आजा मैनिफेस्टो टाइप का है या हम देना है तो दे दिए बस? अगर युवाओं को देने की मंशा होती तो ये लाखों की तादाद में युवा प्रवास क्यों कर रहे हैं 18 वर्षों से, और 18 वर्षों से जो परीक्षा हो रहा है वो स्वतंत्र रूप से और सुचारू ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है, 18 वर्षों से नियमित वैकेंसीज क्यों नहीं आ पा रही है? तो बिहार सरकार की कोई मंशा नहीं है, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है और युवाओं को सिर्फ जातीय समीकरण में उलझा के वोट लेने की चेष्टा की जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इनका कोई भी, इनके विचार और व्यवहार में बहुत का फर्क है, ये जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, इनको क्या पता है युवाओं की स्थिति क्या है नहीं है करके? कभी गए ये सहरसा वाले क्षेत्रों में, कभी गए ये अररिया वाले क्षेत्रों में, नहीं अशोक राजपथ, अशोक राजपथ तो मुख्यमंत्री का काम क्या यही होता है? आप जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक गठबंधन बदल के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो ये बिहार के समस्त लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके की सरकार बिहार में चल रही है, जिसकी ना कोई नियत है ना कोई मंशा है। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना था, वो भी अब इनका जो आशा है वो चूर चूर दिखता जा रहा है। पार्टी के अंदर इनकी कलह आ चुकी है, इनके वरिष्ठ नेता संसद में कुछ और बोलते हैं, इनका स्टैंड कुछ और है। एक और चीज जानना है हमको, कई छात्र बोले कि 24-25 में तो चुनाव है, बहाली आ रही है, आ रहा है और भी आएगा, इसके बाद क्या होगा? 24-25 के बाद फिर वही होगा कि बिहार सरकार की बहाली ठंडे बस्ते पे चल जाएगी और फिर जब चुनाव आने वाला होगा 3.5-4 साल जब सरकार की हो जाएगी तब देखिएगा कि होलसेल रेट में वैकेंसियां आएंगी 7,000, 6,000, 8,000 और एक भी वैकेंसी जो है वो अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचेगी। मतलब मजेदार प्रश्न होंगे उनके और मजेदार उत्तर होंगे। कुंवर सिंह पूरी जनता जानती है कि भाई आरा से लीड किए थे, लड़े थे और बीपीएससी में दिया हुआ था पटना, तो ऐसे तरीके के इस बार भी क्वेश्चन बीएससी भी जो आप उल्लेख कर रहे हैं जिस परीक्षा का उसमें है, मतलब कि जिसको कैसे लोग से सेट कराया जाता है क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? जो इतना कॉमन जो क्वेश्चन है जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो तो जानता होगा, क्या इसे आप टेक्निकल एरर मान रहे हैं या फिर जानबूझ के किया गया काम या फिर उनको बुद्धि इतना ही है उनका? देखिए, बिहार सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बेस्ट मैन फॉर बेस्ट जॉब सरकार में है ही नहीं। जिनको जो काम आता है उनको किसी और काम में दिया गया है, क्यों? क्योंकि उनकी पैरवी नहीं है। तो बिहार सरकार में तो सबसे पहले प्रशासनिक तौर पे रिफॉर्म चलानी चाहिए। ये मैं 18 वर्षों से जो बिहार सरकार चल रही है ना, इसकी वजह से एक लॉबी क्रिएट हो चुकी है हर एक विभाग में। निरंतर 18 वर्षों से सरकार चलेगी, सब लोग अपने एक एक राजनीतिक आकाओं को पकड़े हुए हैं, उन्हीं को चढ़ावा जाता है, वही चढ़ावा के माध्यम से पार्टी फंड में पैसा जाता होगा जैसा मुझे लगता है। नहीं तो 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन एज में जब इंटरनेट जैसी सुविधा है तब आप ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न आप उत्तर दे रहे हैं, और इन उत्तरों से सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लाखों युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं सरकारी नौकरी पाने की वो खत्म हो रही है। कितने हमारे युवा हैं जो अपने माँ बाप के सिर्फ वही सहारे हैं, उनको नौकरी मिलेगा तब उनकी पीढ़ी आगे चल पाएगी,
उनको क्या जवाब देंगे नीतीश जी कि हमारे ये मतलब कि इनएफिशिएंसी की वजह से आपका वो साल चला गया था। तो ये बिहार के युवाओं के लिए एक भद्दा मजाक हो रहा है सरकार के द्वारा, निंदनीय है, दुखद पूर्ण है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कम से कम बिहार सरकार से ये उम्मीद तो नहीं है कि कम से इस तरीके का मतलब प्रश्न जो है और उत्तर प्रश्न एक और है कि नीतीश बाबू ने पिछले साल कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। इस बार 15 अगस्त को आए वो उन्होंने बताया चलिए सरकारी नौकरी में तो बहाली निकल गई है, लेकिन रोजगार बोले कि 5 लाख हम रोजगार के अवसर मुहैया करा चुके हैं। 5 लाख अभी बिहार में किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए होंगे ये नहीं बताया मुख्यमंत्री जी ने। आपको क्या लगता है कि मुहैया कराया गया है या बिहार सरकार करा सकती है, उतना संसाधन इनके पास और उतने क्षेत्र है कराने में? देखिए नीतीश जी लगता है चूक गए होंगे, वो 5 लाख कह रहे होंगे प्रवासी जो है ना जो गए हैं उनका वो आंकड़ा अकाउंट कर लिए होंगे। तो 5 लाख रोजगार कहाँ है भाई, बिहार में हम लोग भी रहते हैं। ऐसा क्या बदलाव आ गया है बिहार में, मतलब कौन सा ओबेरॉय होटल खुल गया है बिहार में कि नाइट लाइफ बढ़ गई है कि इंडस्ट्रीज है कि मतलब डीपीएस का 5 ब्रांच यहाँ पे है, बड़े बड़े स्कूल निवेश कर रहे हैं बिहार में, ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? एक तो जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती हैं जैसे नीति आयोग की मीटिंग वहां पे तो ये जाते नहीं है, जहां जो एक फोरम होता है जहां पे जाके आप अपनी समस्याओं को अपने राज्य की समस्याओं को केंद्र सरकार से सुलझा सकते हैं, जितना बयान इनका मीडिया में होता है उतना बयान कहां आपको नीतीश जी का दिखेगा विधानसभा के पटल में। अच्छा जब गठबंधन में रहते हैं तब ये सारे मांगों को भूल चुके हुए होते हैं, तब इनको स्पेशल स्टेटस याद नहीं आता है, और जैसे ही ये गठबंधन से बाहर जाते हैं वैसे इनको सारा चीज याद आने लगता है। तो विचारधारा की राजनीति तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही नहीं रहे हैं, इनके लिए सत्ता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक और क्वेश्चन हम पढ़ाई है इस प्रभाव के पूछना आपसे चाहेंगे, आप चूंकि शिक्षक हैं इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, G20 हो रहा है, भारत का जो साथ जो है पूरी दुनिया में बना है, आप देख रहे हैं हर एक साल प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं, FDI आता है, निवेश आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, कई चीज हो रहा है, लेकिन बिहार इन सब चीज से अधूरा है। मानिए कि पूरे दुनिया में इंडिया आ रही है लेकिन कोई बिहार नहीं आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ चूक हो रहा है कि आखिर इतने देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं निवेश कर रहे हैं अरबों खरबों का लेकिन बिहार को लेकर कोई सूचना नहीं मिलती है कि बिहार में कोई प्लांट लग रहा हो या कोई काम कर रहा हो, कहाँ पर चूक है? क्या बिहार उनके इन्वेस्टमेंट लायक जगह नहीं है या कुछ बनाया नहीं गया या यहाँ के राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि उन्हें यहाँ बुलाया जाए? देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, अगर आप एक शब्द में जवाब सुनना चाहते हैं तो कितना अच्छा होता कि G20 का समिट जो भारत में हुआ पटना में होता, आप ये सोच के देखिए। लेकिन क्या उतनी बड़ी समिट को होस्ट करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके की सड़कें हैं, होटल्स हैं, कहां रुकते गेस्ट? और मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार सरकार होटल बनाए, लेकिन बिहार सरकार कम से कम एक अनुकूलित स्थिति तो दे सकती है। आज ओबेरॉय का ब्रांच क्यों नहीं है पटना में, आपको राजधानी है पटना, बिहार के बाकी जिलों को छोड़ दीजिए, हम लोग तो सीतामढ़ी बेगूसराय ये सब तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सहरसा गोपालगंज किशनगंज इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, राजधानी की ही बात कर लीजिए। राजधानी में क्या आधुनिक सुविधाएं हैं, क्या देख के लोग आपको यहाँ पे, पहले लोग यहाँ रुकेंगे तब ना निवेश करेंगे, रुकने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। और अगर आप चल जाइए सासाराम रोहतास तरफ तो स्थिति तो और दयनीय है, जो कि एक पर्यटन स्थल है, वहां पे जो इमारतें हैं वो गंदी हैं, मतलब कि उनको अच्छी स्थिति में नहीं रखा गया है, जो आसपास के जो मार्केट्स हैं, जो हमारे ऐतिहासिक जगह के मार्केट्स हैं, मतलब ये काफी दुखद पूर्ण है कि बेचारे वो मार्केट्स आपको दिन में 30,000 का भी व्यापार नहीं कर पाते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा चल जाइए, नालंदा विश्वविद्यालय जो वो साइट है उसके आसपास में जो मार्केट्स हैं वहां के स्थानीय लोग रोज दिन 30,000 का व्यापार नहीं कर पाते होंगे, जबकि ऐतिहासिक जगह है। ये स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवा के रखी हुई है, 18 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ समाजवाद का नारा, लोगों को बांटना, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिश हुकूमत चलाती थी वो 21वीं सदी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। इसी कारण ये डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, ये सिर्फ मांगने भी नहीं जाते हैं जी नहीं। और अगर आप इनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों को देख लीजिए
मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप ही बताइए कौन मंत्री आपको इतने कैलिबर के लगते हैं जो जाके इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट समिट में जाके एड्रेस कर सके, और अगर है इतने योग्य तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया। 18 वर्ष में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, तो आपने पूरी एक पीढ़ी के साथ मजाक किया। अगर आप में योग्यता थी उसके बाद भी आप जो है वो रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, कितना गंदा मजाक है कि 4 साल में आप 7,000 रिक्तियां ला सकते हैं लेकिन हर एक साल आप उसी चीज को 1,000 और 1,500 के आंकड़ों में नहीं ला सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सिर्फ सत्ता और सत्ता का कैसे दुरुपयोग और उसको कैसे हासिल किया जाए साल दर साल उसका एक जीता जागता राजनीति बिहार में चल रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो युवाओं को लेकर जो है सरकार अभी पूरा प्रयास में है, शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और बहालियों पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके मार्फत ही युवाओं को अपनी तरफ दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सर ने जो प्रश्न उठाया कि आप जो 4 साल 5 साल पर एक बहाली निकालते हैं बड़ी संख्या में, उसे आप हर एक साल करते हैं, जो कि छात्रों की उम्र तो बिकते जा रहे हैं, कितने बेरोजगार होते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में प्रवास करते जा रहे हैं, इन सब के बाद आपको बता दें कि G20 और दुनिया के सारे देश भारत आना चाहते हैं, लेकिन कोई बिहार नहीं आना चाहता और ना ही बिहार का कोई उन्हें वेलकम करना चाहता। आखिर क्यों बिहार जो है एक अलग छटा हुआ है, कहा जाए तो सबसे अलग छाटा हुआ राज्य बनते जा रहा है कि सारे दुनिया के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन बिहार में कोई नहीं करना चाहता और सरकार के द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, और ये सब प्रयास नहीं किए जाएंगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, कैसे उनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। इसके साथ साथ जो प्रक्रिया चलती है, जो भर्तियां होती है, अगर उसमें हम योग्य कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे, उसके लिए अच्छे क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अच्छे आंसर नहीं रखेंगे, सही आंसर नहीं रखेंगे, पारदर्शी व्यवस्था नहीं होगा, तो कैसे सही लोग आएंगे और कैसे बिहार का विकास होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सर ने बताया कि बहुत सारे आरोप लगाए सरकार पर इन्होंने, बहुत हद तक जो इनके बातों में दम भी है, लेकिन हम आशा करेंगे कि सब आगे अच्छा होगा। यार इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक से करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।